अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूँ अब्दुल रज़ाक। फर्स्ट ईयर फिजिक्स में चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हैं, जिसके अंदर हमने मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में कुछ पढ़ा था। अब हम यहाँ पे मजीद आगे चल रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैसियस सिस्टम। जिस तरीके से हम हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ चुके हैं, अब हमने मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ अ गैस के बारे में डिटेल में पढ़ना है। जैसे कि हम जानते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो ये जो सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी है, ये हीट कैपेसिटी कहलाती है। सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। पर अभी हमने इसका इंट्रोडक्शन देना है और इंट्रोडक्शन में हमने क्या बात बतानी है, हम इसके डेफिनेशन करनी है और फार्मूला और यूनिट्स वगैरह बता देने हैं। और हमने ये बात बतानी है कि हमारे पास जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो इस तरीके से डिफाइन होती है कि अगर हमने किसी चीज को हीट करना है तो उसके लिए हीट एनर्जी उतनी ही ज्यादा चाहिए जितने उसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। इसके अलावा वो हीट एनर्जी उतनी ही ज्यादा चाहिए जितना आपने टेम्परेचर चेंज करवाना है। दोनों फैक्टर्स को कंबाइन कर रहे हैं तो जो रिलेशन बनता है वो बनता है डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डेल्टा टी, और डेल्टा क्यू के साथ एक कांस्टेंट आता है इधर इक्वेशन के अंदर जिसे सी लिखते हैं। और जो सी है ये क्या कहलाता है, सी कहलाता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो डेल्टा क्यू ओवर एन डेल्टा टी के मुताबिक हमारे पास सी दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस क्या है, इट इज हीट एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट मोल ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। इस बात का मतलब ये हुआ कि वो हीट एनर्जी जो आपको किसी सिस्टम के एक मोल को एक केल्विन टेम्परेचर चेंज के लिए रिक्वायर्ड होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट मोल ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। ठीक है जी, अब अगर मैं इसके ऐसा यूनिट्स की बात करूं तो इसके ऐसा यूनिट्स क्या होंगे, डेल्टा क्यू की जगह पे जूल, एम की जगह पे मोल और डेल्टा डी की जगह पे केल्विन लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा जूल पर मोल पर केल्विन। और अगर बेस यूनिट्स की बात करोगे इसके कि बेस यूनिट्स क्या है, तो बेस यूनिट्स के लिए आप यहाँ पे लिखोगे जूल की जगह पे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लिखोगे और साथ मोल और केल्विन डिनोमिनेटर में पहले लिखे हुए हैं, तो ये बन जाएंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर मोल पर केल्विन। ठीक है जी, और अगर आप इसके डायमेंशन लिखना चाहते हो तो वो क्या होंगी, वो होंगी मास लेंथ स्क्वायर टाइम की पावर माइनस टू है, मोल की जगह पे एन लिखना है और के की जगह पे क्या लिखना है, थीटा लिखना है, ये की डायमेंशन हो। सर पीछे क्या लगाया हुआ है? हाँ जी बोलिए। सर आपकी आवाज नहीं सही आ रही। सर ये केल्विन की डायमेंशन क्या लिखी है? केल्विन टेम्परेचर की डायमेंशन है, उसके लिए थीटा लिखा जाता है डायमेंशन के अंदर, क्योंकि जो ए लेवल की बुक है वो टेम्परेचर के लिए टी के बजाय थीटा का सिंबल यूज करती है, तो थीटा भी लिखा जाता है के भी लिखा जाता है लेकिन प्रीफर आपने थीटा को करना है। इसी तरीके से मोल के डायमेंशन में एम लिखा जाता है, इसके अलावा मोल खुद भी लिख लिया जाता है, एक ही बात है। बहरहाल आगे चलते हैं, अब मैं बात करता हूँ इस मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस की टाइप्स की। तो क्या टाइप्स हैं इसकी, इसकी टाइप्स हैं एक है सीपी और एक है सीवी। ठीक है, एक है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी और एक है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी। तो अब हम यहाँ पे एक केस डिस्कशन करते हैं, केस स्टडी करते हैं और इसके अंदर हम एक गैसीय सिस्टम की बात करते हैं कि हमने एक गैसीय सिस्टम है जिसको इसकी टेम्परेचर को हमने चेंज करवाना हीट एनर्जी ऐड करके। तो दो सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक सिस्टम इस तरह का है कि उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करें तो उसमें पिस्टन मूव कर सकता है, एक्सपेंशन हो सकती है। ठीक है, ऐसे मैं कहता हूँ कि ये सिस्टम है।
ये सिस्टम में इसे मैंने किसी स्टोव के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। दैट मींस ये चीज क्या है, ये है कोई हीट सोर्स, ये क्या है, इट इज हीट सोर्स, हीट सोर्स है। यहाँ से इसने क्या करना है, इसने हीट एनर्जी सिस्टम को क्यू प्रोवाइड करनी है। तो अगर ये हीट एनर्जी क्यू सिस्टम को प्रोवाइड करता है, जैसे क्यू लिखिए या डेल्टा क्यू लिखिए, एक ही बात है। तो इससे क्या होगा, इससे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी राइज करेगी और ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। पिस्टन क्या करेगा, पिस्टन ऊपर की तरफ करेगा, दैट मींस वर्क डन करेगा। तो इस दौरान मैंने यहाँ पे क्या रखना है सिस्टम को, इस सिस्टम को कॉन्स्टेंट प्रेशर के ऊपर रखना है। सिस्टम को किस पर रखना है, कॉन्स्टेंट प्रेशर के ऊपर रखना है। उसके बाद यहाँ पर भी अगेन मैं बताता हूँ कि ये क्या है, ये कोई हीट सोर्स है और इस जगह के ऊपर यहाँ पे भी क्या मौजूद है, एक पिस्टन मौजूद है। तो ये पिस्टन है, अब की बार ये पिस्टन मूव नहीं कर सकता। ये पिस्टन क्या है, ये पिस्टन यहाँ पे इस जगह के ऊपर फिक्स्ड है, ये पिस्टन मूव नहीं कर सकता। तो आप जितनी भी हीट एनर्जी क्यू यहाँ पे प्रोवाइड करोगे, तो सिर्फ एक काम करेगी कि वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी। दो सिस्टम है, एक कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर है और एक कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर है। एक क्या है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर मौजूद है। तो इस तरीके कांस्टेंट वॉल्यूम वाले, तो इनके अंदर सिस्टम मौजूद है, हमने यहाँ पे हीट ऐड करनी है। कांस्टेंट प्रेशर वाले सिस्टम के अंदर हीट दो करेगी, पहला काम ये करेगी कि वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी और वर्क करेगी, और दूसरे वाले कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी और कोई वर्क परफॉर्म नहीं करेगी। सो अब अगर मैं यहाँ पे ये बात लिखूं कि जो कांस्टेंट प्रेशर वाला सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है, कांस्टेंट प्रेशर वाला सिस्टम है, उसकी बात कर लेते हैं। उसके ऊपर क्या अप्लाई करता हूँ मैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करता हूँ। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करते हैं, इस लॉ के मुताबिक सिस्टम को हीट एनर्जी क्यू जो दी जाती है वो दो काम करती है, डेल्टा यू, और इसके अलावा वो क्या करवाती है, वो वर्क डन करवाती है। वो क्या करवाती है, वो वर्क डन करवाती है। और अगर मैं यहाँ पे इस क्यू की जगह पे फॉर्मूला पुट करना चाहूँ, और किसका फॉर्मूला पुट करना चाहूँ, मैं यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना चाहूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ ये वाला, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी क्योंकि हमारे पास क्यू की वैल्यू सी एन डेल्टा टी होती है और ये कांस्टेंट प्रेशर की बात है, तो इसे सीपी लिखना है। तो फॉर्मूला बन जाएगा सीपी एन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू, और क्योंकि ये इंटरनल एनर्जी का चेंज भी जो क्या है वो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर है, यहाँ पे भी टी लिख लेता हूँ और साथ वर्क डन लिख लेता हूँ, और वर्क डन पी डेल्टा भी इक्वल होता है, तो इसे मैं इक्वेशन नंबर वन का नाम लिखता हूँ। ये क्या है, इक्वेशन नंबर वन है। अब उसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम लिखूं, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए अगेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई कीजिए। तो इस तरह के ऊपर अगर मैं यही ला लिखता हूं Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, तो चूंकि हमारे पास फिलहाल W P डेल्टा V इस केस के अंदर जीरो होगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Q इज इक्वल टू डेल्टा U, और फर्दर इसकी जगह पे लिख देता हूं एम सी डेल्टा टी या फिर सी वी एन डेल्टा टी, और ये क्या है, यह है डेल्टा यू वी। ये हमारे इक्वेशन नंबर इसको वन है, तो इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन क्या कहिए, इक्वेशन नंबर टू कहिए। ये कांस्टेंट प्रेशर के लिए इक्वेशन है, और वो वाली इक्वेशन किसके लिए है, वो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए इक्वेशन है। तो देखिए कि दो इक्वेशन आ चुकी है, मैं एक दफा इनका कंपेरिजन कर दूँ। कंपेरिजन क्या है कि इक्वेशन है क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ये प्रेशर कॉन्स्टेंट रख के किया गया है, और फिर एक दफा इक्वेशन लिखी गई है डेल्टा है। तो भाई अगर आप इस केस में लेट से मैं कहता हूं कि 88 जूल एनर्जी देते हो इस वाले सिस्टम को, तो वो 88 जूल ऑफ एनर्जी क्यू क्या करेगी, वो इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी। तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाले केस के अंदर अगर सिस्टम को आपने 88 जूल एनर्जी दी है, तो वो 88 जूल एनर्जी क्या करेगी, वो इसके चेंज इन इंक्रीमेंट इन इंटरनल एनर्जी के तौर पर अपेयर होगी। पर अगर इस वाले सिस्टम की बात करूं, तो अगर यहाँ पे भी आपको इस जगह के ऊपर 88 जूल
की इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट चाहिए तो आपको एनर्जी की वैल्यू ज्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि कुछ एनर्जी वर्क भी करवाएगी क्योंकि यहाँ पे पिस्टन मूवेबल है और पिस्टन मूवेबल होगा तो यहाँ पे सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम एक्सपेंड करेगा। तो इस तरीके से ये वाली वैल्यूज कॉन्स्टेंट प्रेशर के लिए है और ये वाली वैल्यूज किसके लिए है, वो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के लिए है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इन टर्म्स को भी यहाँ पे सिंबलाइज कर देता हूँ पी के साथ। तो भाई आपको यहाँ पे एक बात पता चल गई कि जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर कुछ एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो उस सूरत में वो पूरी की पूरी एनर्जी ही क्या करती है, तो पूरी की पूरी एनर्जी ही उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के काम आती है। वो क्या करती है, वो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के काम आती है। लेकिन अगर आप कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हो तो आपकी दी गई एनर्जी जो है वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ाती बल्कि वर्क डन भी करवाती है। ये रेशियो इसी के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए वैल्यूज लिखी। सो मैं यहाँ पे क्या कहता हूं, वी वांट डेल्टा यू वी एंड डेल्टा यू पी इक्वल। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि डेल्टा यू पी और डेल्टा यू वी इक्वल चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, यूपी और यूवी की वैल्यू इक्वल चाहिए। कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मुझे 88 जूल ही इंक्रीमेंट करनी है इंटरनल एनर्जी के अंदर, कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर 88 जूल इंटरनल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी और कांस्टेंट प्रेशर के अंदर मुझे 100 जूल या उससे थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं ये वाले फॉर्मूलास लिखता हूँ कॉन्स्टेंट प्रेशर और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वाले, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सीपी चूंकि डेल्टा क्यू ओवर एन डेल्टा टी है और जो CV है वो भी सेम यही है डेल्टा Q ओवर M डेल्टा T, तो अगर मुझे टेम्परेचर चेंज और इसके अलावा नंबर ऑफ मोल सेम हो तो मुझे किसी सिस्टम को कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हीटअप करने के लिए, उसका टेम्परेचर राइज करवाने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ती है लेकिन कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इसलिए CP CV से ज्यादा होता है, इसलिए CP CV से क्या होता है, ज्यादा होता है क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर दी गई एनर्जी दो का करवाती है इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट और इसके अलावा वर्क डन या एक्सपेंशन करवाती है। तो अगर आपको दोनों केसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम और प्रेशर के ऊपर इक्वल चेंज इन इंटरनल एनर्जी चाहिए, इक्वल चेंज इन टेम्परेचर चाहिए, तो उसके लिए आपको सीपी के केस में ज्यादा एनर्जी क्यों प्रोवाइड करनी पड़ती है, सीबी के केस में कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे कंसीडरेशन क्या कर रहा हूँ कि हमारे पास डेल्टा यूपी और डेल्टा यूवी इक्वल है। सो चूंकि हमारे पास जो डेल्टा यूवी का फॉर्मूला है वो क्या है, वो है CVN डेल्टा T इक्वेशन नंबर 2 से। सो इस हिसाब से डेल्टा यूपी क्या बन जाएगा, वो भी बन जाएगा CVN डेल्टा T इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, सो ये हमने यहाँ तक कुछ डिस्कशन कर ली है, ये बात प्रूव कर ली है सीपी सीवी से ज्यादा होती है और इसकी रेशियो को हम क्या कहते हैं, इसकी रेशियो को हम गामा कहते हैं। ठीक है, सो वो भी मैं मजीद अभी आगे लिखूंगा लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इस जगह के ऊपर हम अब ये प्रूव करने जा रहे हैं कि प्रूव दैट CP माइनस CV इज इक्वल टू R, CP माइनस CV किसके इक्वल होगा, R के इक्वल होगा। हसनैन माइक म्यूट करो अपना। सर ये किसी और के माइक से शोर आ रहा है, मुझे पता है आपने माइक नहीं बोला, माइक बंद करो। सो अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि हम सीपी माइनस टी इज इक्वल टू आर प्रूव कर रहे हैं। प्रूव दैट सीपी माइनस टीवी इज इक्वल टू आर, ये प्रूव करना है और उसके लिए प्रीवियस डिस्कशन इंक्लूडेड है। मतलब ये क्वेश्चन जो है अगर आपने करना है तो इसी क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट इज मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एंड प्रूव दैट सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। अगर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में ना भी पूछा हो तो आपको बताना पड़ेगा कि सीपी सीवी से क्यों ग्रेटर है। और इसके अलावा ये इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम वाली आपको तब भी लिखनी पड़ेगी, उसके लिए डायग्राम और केस स्टडी भी करना पड़ेगा। तो इसलिए ये पूरा क्वेश्चन ही इंक्लूडेड है, बट अगर जिस मर्जी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि चूंकि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है CP n delta T is equal to delta UP plus W। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हमारे पास एक और इक्वेशन है, वो है delta UP जो किसके इक्वल है, CV n delta T के इक्वेशन इक्वल है जो कि इक्वेशन नंबर 3 है। सो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है CP n delta T is equal to CV n
डेल्टा टी प्लस डब्ल्यू, इस टर्म को इधर ले आए, ये बन जाएगी सीपी एन डेल्टा टी माइनस सीवी एन डेल्टा टी इज इक्वल टू डब्ल्यू। फिर आप कहोगे क्योंकि वर्क डन पी डेल्टा वी के इक्वल होता है, सो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या शेप अख्तियार कर लेती है, वो बन जाती है सीपी एन डेल्टा टी माइनस सीवी एन डेल्टा टी इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। अब आप ऐसा कीजिए कि यहाँ पे ना इस जगह के ऊपर डेल्टा बाहर लिखिए, सीपी एन डेल्टा टी माइनस सीवी एन डेल्टा टी, ये बन जाएगा डेल्टा पीवी, इक्वेशन नंबर फोर। अब आप कहोगे कि पीवी किसके इक्वल होता है, पीवी एन आर टी के इक्वल होता है, सो सीपी एन डेल्टा टी माइनस सीवी एन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एन आर टी के इक्वल होगा। और जारी बात है नंबर ऑफ मोल्स सेम रखते हुए टेम्परेचर चेंज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा सीपी एन डेल्टा टी माइनस सीवी एन डेल्टा टी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। तो इस केस में क्या होगा कि ये तमाम डेल्टा टी आपस में कट जाएंगे और ये तमाम नंबर ऑफ मोल्स भी आपस में कट जाएंगे और क्या बचेगा, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ये इक्वेशन कौन सी, इक्वेशन नंबर फाइव है। सो यहाँ से भी एक बात पता चलती है कि क्योंकि हमारे पास आर जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, उसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होती है, ठीक है। सो क्योंकि सीपी माइनस सीवी का आंसर एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, सो इस बात का मतलब हुआ कि सीपी जो है वो ग्रेटर देन है सीवी के, ठीक है। सीपी सीवी से ग्रेटर होता है, क्यों, क्योंकि जो इसका आंसर है वो क्या आ रहा है, वो पॉजिटिव नंबर आ रहा है। तो एक तो हमने लॉजिक एक्सप्लेन कर दी कि सीपी सीवी से ग्रेटर क्यों होता है, इस वजह से कि सीपी के ऊपर तमाम एनर्जी इंटरनल एनर्जी ही बढ़ाती है। और इसके अलावा अगली बात हमने ये की कि जो सीपी है वो ग्रेटर क्यों होता है, क्योंकि उसमें दी गई एनर्जी जो है वो दो काम करवाती है, वो एक काम ये करवाती है कि वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है, दूसरा एक्सपेंशन करवाती है। सीपी ने ऑब्वियसली ज्यादा होना है, सीवी ने कम होना है, और मैथमेटिकल प्रूफ आपने यहाँ पे सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर से देना है कि क्योंकि इसका आंसर एक पॉजिटिव नंबर है, इसलिए सीपी और सीवी का सीपी और सीवी में ये रिलेशन है कि सीपी सीवी से ग्रेटर है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात ये कि हमारे पास जो सीपी और सीवी की रेशियो है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है गैमा। क्या कहलाती है, गैमा। ये फैक्टर हमने लैपलेस करेक्शन के अंदर यूज किया था, मोनोटॉमिक गैस के लिए वैल्यू 1.69, डायटॉमिक के लिए 1.4, और इसके अलावा जो हमारे पास वैल्यू थी पॉलीटॉमिक के लिए 1.29 थी, ठीक है। तो सीवी इसलिए ग्रेटर होता है, वो रीजन हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। अच्छा, कोई कंफ्यूजन, अच्छा मुझे बताओ ये जो नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये शामिल है, और हीट इंजन ये शामिल है एएलपी के अंदर? सर हीट इंजन नहीं है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस है। क्या नहीं है? सर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस मौजूद है और हीट इंजन नहीं है? जी सर। अच्छा सर, ये रेस कर रहा हूँ सारा। टॉपिक छोटा सा रिवर्सिबल प्रोसेसेस, जाहिर बात है कि इस जगह के ऊपर हम सिर्फ अपने आप को लिमिट रखेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस से, और अगर मैं कहूँ कि कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा हुआ कि एक ऐसा रिएक्शन जो कि रिवर्स रिएक्शन में ट्रेस ना किया जा सके उसे हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। तो फिजिक्स के अंदर भी ऐसे तमाम प्रोसेसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएंगे जिनमें
कोई सिस्टम ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जाता है उसे हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। तो देखिए कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मैं इस मार्कर को यहाँ पे इस तरह से पकड़ के तोड़ देता हूँ, दो टुकड़ों में तकसीम हो जाता है, फिर दोबारा उन टुकड़ों को जोड़ता हूँ तो वो जुड़ता नहीं है। क्यों नहीं जुड़ता? क्योंकि अब मॉलिक्यूल्स रोटेट कर चुकी हैं, वो अपनी जगह छोड़ चुकी हैं, उनके जो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे वो अपनी उन जगहों पे एक साथ नहीं आ सकते कि वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे। चंद्र के आते नहीं है लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो इसको होल्ड कर पाए। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस वो है कि जिसको आप आसानी से बैकवर्ड ट्रेस नहीं कर सकते, उसमें जो सिस्टम की ऑरियंटेशन और प्लेसमेंट और अरेंजमेंट है वो तब्दील हो जाती है चीज़ों की। इसलिए जब आप चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करते हो तो वो आपस में नहीं जुड़ती। फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज़ का टूट जाना, ग्लास का नीचे करके टूट जाना, ग्लास दो हिस्सों में टूट जाए तो वापस जोड़ो तो जुड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कि आसानी के साथ बैकवर्ड ट्रेस नहीं किए जा सकते, जिनमें मॉलिक्यूल्स की ऑरिएंटेशन चेंज हो चुकी होती है या कुछ मॉलिक्यूल सिस्टम से एस्केप कर चुके होते हैं। इस तरह के प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं और नेचर के ज्यादातर प्रोसेसेस जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस भी होते हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप सिस्टम की कॉन्फिगरेशन को 100% कंट्रोल कर लो, तमाम फैक्टर्स आपके कंट्रोल में हो, तो नेचर का हर प्रोसेस जो है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। नेचर का हर प्रोसेस एक रिवर्सिबल प्रोसेस है अगर आप तमाम के तमाम फैक्टर्स को कंट्रोल कर पाओ तो। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट आते हैं रिवर्सिबल प्रोसेसेस। रिवर्सिबल प्रोसेसेस कौन से प्रोसेस होते हैं जिनमें सिस्टम इतनी स्लोली इवॉल्व होता है कि आप उसे आसानी बैकवर्ड ट्रेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक क्लोज कंटेनर के अंदर अगर आपने कुछ पानी वगैरह या प्योर लिक्विड रखा है तो उस लिक्विड के कुछ मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होते हैं। अब वो मॉलिक्यूल्स जो उस जगह के ऊपर एवेपोरेटेड हैं वो दोबारा कंडेंस किए जा सकते हैं, उनकी जगह नए मॉलिक्यूल ले लेते हैं, पुराने कंडेंस होते चले जाते हैं, वो दोबारा से लिक्विड स्टेट में तब्दील होते चले जाते हैं। तो इस तरीके से नेचर में स्लोली इवॉल्व होने वाले प्रोसेसेस जिनके अंदर सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होता और सिस्टम के अंदर से मॉलिक्यूल एस्केप नहीं करते, वो तमाम के तमाम प्रोसेसेस क्या कहलाते हैं? वो रिवर्सिबल प्रोसेसेस कहलाते हैं। तो भाई यहाँ पे एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि जब भी हमारे पास सिस्टम इस तरह का हो कि वो आगे की तरफ चलता हुआ डिसऑर्डर की तरफ ना जा रहा हो, रैंडमनेस की तरफ ना जा रहा हो, तो वो उतना ही आसानी से रिवर्सिबल होता है। और जिस सिस्टम में जितनी ज्यादा रैंडमनेस आ जाए, डिसऑर्डर आ जाए, वो उतना ही ज्यादा इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो ये हमने थोड़ी सी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस की बात कर ली है। अब हमने जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है वो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। शामिल है ना ये जुरेश? यस सर, शामिल है। अच्छा, आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को समझाने के लिए हीट इंजन समझना लाजमी है। हीट इंजन के बगैर वो हो ही नहीं सकता, इसलिए अब मजबूरी है कि हीट इंजन करवाना पड़ेगा। ठीक है, सो स्टार्ट कर रहे हैं हीट इंजन। हीट इंजन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप हीट एनर्जी करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने डैम से बिजली बनानी है, पानी से बिजली बनानी है जो डैम में स्टोर्ड है, तो कैसे बनाओगे? क्या डैम के अंदर पानी स्टोर कर दोगे तो क्या उससे बिजली बनेगी? कभी भी नहीं बनेगी। आपको क्या करना है, आपको पानी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जनरेट करना है जिसकी वजह से पानी हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ फ्लो करता हुआ जाएगा और इस दौरान गिरते हुए वो टर्बाइन को घुमाएगा और टर्बाइन को घुमाते हुए वो कुछ अपनी एनर्जी जो नीचे जाते हुए काइनेटिक में तब्दील हो जानी थी उसको वो वर्क में तब्दील कर देगा। सो अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर पानी का रिजर्व मौजूद है और यहाँ पे इस पानी के रिजर्व से इधर से पानी नीचे गिर रहा है, इसके पास इस वक्त पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या थी, वो जीरो थी। लेकिन जब इसने यहाँ पे नीचे गिरना है किसी जगह के ऊपर, लेट्स से मैं कहता हूँ यहाँ पे इस जगह के ऊपर गिर जाना है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ने जीरो हो जाना है। गिरने से एग्जैक्टली पहले, जमीन से टकराने से पहले की बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी ने जीरो हो जाना है और काइनेटिक एनर्जी ने क्या हो जाना है, मैक्सिमम हो जाना है। ठीक है, तो अगर मैं ओवरऑल कहूँ कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर जो मैंने टोटल एनर्जी प्रोवाइड की है वो एनर्जी है क्यू वन और जो एनर्जी यहाँ तक पहुंच रही है वो है क्यू टू, तो ये दोनों एनर्जीज बराबर होनी चाहिए। ये दोनों एनर्जीज क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो अगर आपने इन दोनों को बराबर रखा तो इस केस में हमारे पास जो Q1 और Q2 का डिफरेंस है वो क्या आएगा, वो जीरो आएगा। वो क्या आएगा,
तो जीरो आएगा. लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि यहां पे इस जगह के ऊपर कोई ऐसा सिस्टम बनाऊं कि पानी में जिसने हाई पोटेंशियल एनर्जी से नीचे गिरना है, दैट मींस उसके पास यहां पे टोटल एनर्जी क्यू वन है और यहां पे गिरते हुए उसके पास टोटल एनर्जी क्या होनी थी, क्यू टू होनी थी. तो पानी अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है और नीचे गिरते हुए उसने क्यू टू और क्यू वन बराबर कर देने के, लेकिन आपने यहाँ पे इस जगह के ऊपर क्या किया है, इस जगह के ऊपर कोई टर्बाइन के व्हील्स लगा दिए. क्या लगा दिए हैं? टर्बाइन के व्हील्स लगा दिए. तो अब क्या होगा, अब पानी ऊपर से नीचे गिर और इन विंग्स को घुमा के गुजरेगा, और अगर वो इन विंग्स को घुमा के यहाँ से गुजरता है तो इसका मतलब है उसने अपनी कुछ एनर्जी जो है वो टर्बाइन को घुमाने में इस्तेमाल कर दी, और वो एनर्जी फर्दर आगे बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होगी. दैट मीन्स ये आपने कुछ वर्क डन कर दिया है. इस वर्क डन से भले आप बिजली बनाइए या कोई भी और काम कीजिए, वो आप कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील कर सकते हैं. लेकिन इस केस के अंदर हुआ क्या है कि क्यू वन एनर्जी चली थी और Q2 नीचे पहुंची और ये दोनों एनर्जी बराबर नहीं थी. लेट्स से मैं कहता हूं यहाँ पे 1000 जूल था तो 1000 जूल नीचे नहीं पहुंचेगा, 1000 जूल यहाँ पे था तो 1000 जूल नीचे नहीं पहुंचेगा. लेकिन यहाँ पे अगर इधर 1000 जूल है तो हो सकता है नीचे तक 800 जूल पहुंचे एनर्जी, टकराने से पहले की बात कर रहा हूँ जमीन से. तो डिफरेंस इन एनर्जी कहाँ गया, वो फॉर एग्जाम्पल इस केस के अंदर 200 जूल की जो है वो एनर्जी जनरेट होगी. तो अगर पानी फ्लो के दरमियान में आप फ्लो के दरमियान में कोई रुकावट डालते हो, टर्बाइन लगाते हो, तो इस तरह से आप एक ऐसा वर्किंग सिस्टम बना सकते हो जिसके अंदर ऊपर मौजूद पानी की एनर्जी और नीचे मौजूद पानी के टोटल एनर्जी का डिफरेंस तो वर्क डन के बराबर होगा, वो तो टर्बाइन को घुमाने के लिए इस्तेमाल होगा और आप उससे आगे बिजली जनरेट कर सकते हो. सेम इसी तरीके से हीट इंजन भी सेम इसी प्रिंसिपल पे काम करता है. इस तरह डैम के अंदर स्टोर्ड पानी से बिजली नहीं बनाई जा सकती, बिजली बनाने के लिए पानी का फ्लो करना लाजमी है, उसके लिए आपको एनर्जी डिफरेंस जनरेट करना लाजमी है. हाइट डिफरेंस करके आप पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जनरेट करते हो. सेम वैसे अगर आप हीट एनर्जी से क्या करते हो, वो कोई वर्क लेना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको डिफरेंस ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे हीट फ्लो कर पाए. पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बनाने के लिए हाइट डिफरेंस करनी पड़ती है. लेकिन जो हमारे पास हीट एनर्जी है उसको फ्लो करवाने के लिए आपको टेम्परेचर डिफरेंस जनरेट करना पड़ता है. तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है कि जिसके अंदर हमारे पास एक सिस्टम है हॉट रिजर्वायर. ये क्या है? ये हॉट रिजर्वायर है, ठीक है. इसके अंदर एनर्जी स्टोर है और ये जो है ये क्या कहलाता है, ये सोर्स ऑफ हीट एनर्जी कहलाता है और इसका टेम्परेचर टी वन है और इसके अंदर बहुत एनर्जी स्टोर्ड है लेकिन किसी काम की नहीं अगर वो फ्लो ना करे, ठीक है. इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इस जगह के ऊपर एक कोल्ड रिजर्वायर है. क्या है? कोल्ड रिजर्वायर है जिसके पास बहुत कम हीट एनर्जी है. इसका मतलब है ये क्या है, ये सिंक है और ये टेम्परेचर टी टू के ऊपर मौजूद है और केस यह है कि टी वन ग्रेटर है और टी टू स्मॉलर है. टी वन ग्रेटर है और टी टू क्या है, स्मॉलर है. तो इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे इस जगह से हीट एनर्जी क्यू वन निकलेगी और निकल कर ट्रैवल करती हुई यहाँ पे हीट एनर्जी Q2 पहुंचेगी और ये दोनों एनर्जी नॉर्मल कंडीशन पे आपस में बराबर होंगी. Q1 और Q2 आपस में इक्वल होंगी, दैट मींस Q1 माइनस Q2 का डिफरेंस जो है वो जीरो होगा, ठीक है. अब अगर आप ऐसा करो कि यहाँ पे कोई वर्किंग सिस्टम लगाओ, क्या लगा दो इसके दरमियान में, कोई वर्किंग सिस्टम लगा दो. यहाँ पे अगर कोई आप वर्किंग सिस्टम लगा देते हो, सेम वैसे जैसे पानी के फ्लो के अंदर टर्बाइन एक वर्किंग सिस्टम था, वैसे कोई वर्किंग सिस्टम लगा देते हो तो वो इन दोनों एनर्जीज का डिफरेंस क्या करेगा, वो इन दोनों की एनर्जीज के डिफरेंस को खत्म कर देगा. तो अब के केस में हमारे पास ये कंडीशन नहीं होगी, अब हमारे पास Q1 ग्रेटर और Q2 स्मॉलर होगा और ये जो हमारे पास डिफरेंस है Q1 और Q2 का, इनका जो डिफरेंस है वो किसके को लाएगा, वो वर्क डन के को लाएगा. तो कोई भी हीट इंजन या कोई भी किसी भी किस्म का इंजन जो है वो सेम इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है कि दो डिफरेंट सोर्सेज होने चाहिए, दो डिफरेंट रिजर्वायर्स होने चाहिए, एक का टेम्परेचर हाई हो एक का टेम्परेचर लो हो, उनके दरमियान में कोई वर्किंग सिस्टम लगा के, क्योंकि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट एनर्जी ने फ्लो करना है, आप उनके दरमियान में कोई वर्किंग सिस्टम लगा के क्या कर सकते हो, वहां पे उस जगह से आप वर्क निकाल सकते हो. तो ये हमारे पास सिंपल सा प्रिंसिपल है हीट इंजन का और इसी के रेफरेंस से मैं आपको आगे बताता चलूँ कि रेफ्रिजरेटर क्या होता है. रेफ्रिजरेटर की बात करने लगा हूँ, रेफ्रिजरेटर का प्रिंसिपल भी सेम यही होता है. जिस तरीके से पानी ऊपर से नीचे फ्लो करता है और इस दौरान आपको वर्क देता है, लेकिन पानी को नीचे से ऊपर ले जाना तो पंप लगाना पड़ेगा, फिर पंप की वजह से आप एनर्जी दोगे.
तो भाई होगा क्या कि हमारे पास इस जगह के ऊपर क्या मौजूद है, एक हॉट रिजर्वायर मौजूद है, अब जारी बात है सोर्स तो नहीं कहूंगा, और यहाँ पे इस जगह के ऊपर एक कोल्ड रिजर्वायर है, ऐसे सिंक भी नहीं कह सकते क्योंकि हीट ने रिवर्स फ्लो करना है, सो ये कोल्ड रिजर्वायर है। अब यहाँ पे ये टेम्परेचर टी वन है, ये टेम्परेचर टी टू है। नॉर्मली क्या करना था, हीट ने ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करना था, हीट ने क्या करना था, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करना था। सो इस दौरान आपने क्या करना था, आपने यहाँ पे इस जगह के ऊपर वर्क को एक्सट्रैक्ट करना था किसी तरीके से। लेकिन अगर आपने ठंडे रिजर्वायर से जिसमें पहले एनर्जी कम है उसमें से भी एनर्जी निकाल के ऊपर हॉट रिजर्वायर में फेंकनी है, फिर आपको वर्क करना पड़ेगा, फिर आपको वर्क करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे केस क्या होता है, केस ये होता है कि हमारे पास जो यही इक्वेशन है वही दोबारा रीअरेंज होकर ये बन जाती है क्यू वन इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस क्यू टू। तो अगर आप पहले से ठंडे और कम टेम्परेचर पे मौजूद रिजर्वायर से भी रही सही हीट एनर्जी निकाल के हॉट रिजर्वायर के ऊपर एनर्जी फेंकना चाहते हो तो सिर्फ एनर्जी क्यू टू ऊपर तक नहीं पहुंचेगी, जो वर्किंग सिस्टम यहाँ से एनर्जी उठा के ऊपर लेके जा रहा है उसकी अपनी हीट एनर्जी या जो भी वर्क की वैल्यू है वो भी एड अप होगी और Q1 के इक्वल आएगी। तो ये रेफ्रिजरेटर का प्रिंसिपल है, तमाम रेफ्रिजरेटर और कूलिंग डिवाइसेस फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनर सेम इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं कि पहले से ठंडी चीजों के अंदर से भी रही सही हीट एनर्जी निकाल के एटमोसफेयर में फेंकते हैं, लेकिन जितनी एनर्जी निकाली होती है सिर्फ उतनी ही फेंकते, उससे ज्यादा फेंकते हैं। वजह क्या है, वजह यह है कि जाहिर बात है सिस्टम वर्क कर रहा है तो उसको भी कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट चाहिए। तो ये हमने बात कर ली है इस जगह के ऊपर, इस जगह के ऊपर हमने बात कर ली है हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर सिस्टम की। कल हमने नेक्स्ट टाइम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करनी है, तो अगर यहाँ तक कंफ्यूजन है तो पूछ लें।